आओ जानते हैं क्यों पूजनीय है सरयू नदी। मुझे ये कथा मेरी दादी ने सुनाई थी, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बक्सर जिले में दो नदियाँ बहती हैं, सरयू और गोमती, जो बागनाथ जी के तट पे एक साथ जिनका संगम होता है। सरयू का जन्म होता है सरमूल से, जो पूर्व दिशा से बहके आती है। पश्चिम दिशा से गोमती निकलती है, जिसका जन्म पिंडर नदी से हुआ है। दोनों नदियाँ एक दिन बागनाथ जी से पूछने लगे, बागनाथ जी बताओ, हम जन्म में सर्वश्रेष्ठ कौन है? आने वाले समय में सबसे ज़्यादा सम्मान किस नदी को मिलेगा? कौन नदी सबसे ज़्यादा पूजी जाएगी? तब बागनाथ जी ने कहा कि तुम दोनों में परीक्षा में कराता हूँ, जो नदी सबसे पहले मेरे पास पहुँचेगी वही नदी आने वाले समय में पूजनीय होगी। जो नदी इस परीक्षा में सफल होगी वही सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में पूजी जाएगी। गोमती और सरयू अपने अपने वेग से अपने अपने जन्म स्थान से बहके निकली। ये अपने वेग से बही, जैसे ही बागनाथ जी के मंदिर के पास थोड़ी दूर पे वो रुक गई। उसने देखा मेरे रास्ते पे एक तपस्वी तप कर रहे हैं, जो जिनका नाम था मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि भोलेनाथ की भक्ति में मग्न थे, वो वहाँ पे तप कर रहे थे। तभी से बागेश्वर धाम को मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। जब सरयू नदी कुछ देर के लिए रुक गई तो उनका जल जल स्तर बढ़ने लगा। वो इर्द गिर्द के गांवों को डुबोने लगे, धरती हिलने लगी, उनकी तीव्र आवाज़ से धरती हिलने लगी। जब बागना जी ने बाघ का रूप धारण किया, माता पार्वती ने गाय का रूप। बाघ गाय को मारने के लिए दौड़ा तो गाय जोर से रंभाई। तब मार्कंडेय ऋषि ने देखा, वो गाय को बचाने उठ खड़े हुए, उनका ध्यान टूट गया और उन्होंने सरयू नदी को आगे बढ़ने का मौका दे दिया। बाबा बागनाथ ने बागेश्वर जिले को बचाने के लिए बाघ का रूप धारण किया, माता पार्वती ने गाय का रूप। मार्कंडेय ऋषि अपने ध्यान से उठे तो उन्होंने वो क्या देखते हैं कि बाघ में उनको भोलेनाथ जी दिखाई दिए, गाय में उनको माँ पार्वती। वो धन्य हुए, उनकी भक्ति धन्य हुई और बागनाथ जी उनको बागनाथ जी का आशीर्वाद उनको मिला। सरयू नदी दोनों नदियाँ पहुँची बागनाथ जी के पास। अब बताओ, हम परीक्षा में दोनों में से कौन हुआ है पास? तब बागनाथ जी बोले, तुम दोनों नदी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। तुम दोनों नदी ने कोशिश को देख के मैं खुश हूँ। सबसे पहले गोमती नदी मेरे तट पे पहुँची है, तो गोमती नदी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पश्चिम दिशा से बह के आती हैं, तो तुम्हारे नदी के किनारे भैरवनाथ जी का मंदिर बनाया जाएगा। हर श्रावण के महीने में भैरवनाथ के चरणों को छू के निकलोगी। आने वाले समय में बहुत बड़ी विनाशकारी नदी बनोगी। सरयू नदी को आशीर्वाद दिया भोलेनाथ जी ने, कहा कि तुम ऋषि मार्कंडेय जी के तप को तुमने भंग नहीं किया, तुम दया के रूप में निखर के आई हो। तुमने एक माता का रूप निभाया है, इसलिए तुम वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पूजी जाओगी। जो तुम्हारे नदी में मकर संक्रांति को डुबकी लगाएगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। जो तुम्हारे नदी का जल लेके मेरा अभिषेक करेगा, उसको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। जो अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार तुम्हारे नदी के तट पे करेगा, उसके दामन खुशियों से भर जाएंगे। ये आशीर्वाद सदा पूजनी रहने का आशीर्वाद माँ सरयू नदी को भोलेनाथ जी ने दिया। दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं, इसलिए हमको कुछ पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हमको आगे देख के, हमारे रास्ते में कोई रुकावटें आती है तो हमें रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए। जब रुकावट टल जाए तब आगे बढ़ना चाहिए। यह सीख हमें सरयू नदी ने दी है, इसीलिए वो पूजनीय है। गोमती इसीलिए नहीं पूजी जाती, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए विनाशकारी रूप धारण किया। उनके रास्ते में जितने भी जो भी जीव आए, सबको बहाती हुई लेके आई, इसलिए वो आने वाले वर्तमान समय में एक विनाशकारी रूप में सिद्ध हुई। इसीलिए तो कहते हैं ना दोस्तों, कि सरयू और गोमती दोनों में एक साथ बाढ़ नहीं आता। जब गोमती आती है तो सरयू शांत रहती है, जब सरयू आती है
तब गोमती शांत रहती है। जिस दिन सरयू और गोमती में दोनों दोनों नदियों में एक साथ बाढ़ आएगी उस दिन खतरा बना रहेगा बागेश्वर के लिए। बागेश्वर फिर डूबने के कगार पे आएगा, भोलेनाथ फिर से दर्शन देंगे बाघ के रूप में। कहा जाता है सीसीटीवी में कैमरों में कैद हैं, आज भी बागनाथ नदी के आसपास बाघों का दिखाई देना जो सीसीटीवी कैमरे में हमेशा कैद हुए हैं, ये आज भी इशारा करती है इस ओर कि बागनाथ जी हैं बागेश्वर में। वो भ्रमण करते हैं बागेश्वर का बाघ के रूप। धैर्य बनाए रखना है। धन्यवाद।